तो आप लोग का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन में हम देखे थे। अब आपको इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हम देखते हैं। और जितना प्रॉब्लम आपको दी अच्छा से उसको एकदम प्रैक्टिस कर ले तो अच्छा होगा। तो चलिए कुछ प्रश्न हम देखते हैं इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले इसका हम अच्छा से एकदम फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिस पर होता है, ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत ज्यादा है। यदि टोटल फॉर्मूला को रट जाया जाए तो चार पांच ऑब्जेक्टिव आपको जरूर उससे पकड़ाता है। इसलिए एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटीग्रेशन, और जिसका हिंदी होता था याद करें समाकलन, एकदम ध्यान। इसका डिफिनेशन कहता है इंटीग्रेशन इज, इंटीग्रेशन है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इनवर्स जो होता है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। इनवर्स के हिंदी होता है व्युत्कर्म और प्रोसेस का हिंदी प्रक्रम। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस होता है। एकदम ध्यान से देखेंगे, हल्का सा हम आपका जो है थ्योरी को रिपीट कर दे रहे हैं। आप लोग थ्योरी को एकदम समझ लें, फॉर्मूला को एकदम ध्यान दें, फॉर्मूला रट जाइएगा बहुत लाभ आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव आपको पकड़ा जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का व्युत्कर्म परक्रम होता है। हम लोग समझते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है, व्युत्कर्म होता है, प्रतिलोम होता है, इनवर्स होता है। तो इनवर्स का उल्टा इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है, व्युत्कर्म प्रक्रम होता है। एकदम ध्यान से एकदम देखिए, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस टोटल को हम लोग पढ़ते हैं y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, और इंटीग्रेशन का संकेत ऐसे होता है। ये जो आपका देख रहे हैं ये डिफरेंशिएशन का चिन्ह है और ये आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह है। यहां dx भाग में तो भाग का उल्टा जो होता है गुना होता है, इनवर्स गुना होता है। तो dx जो डिफरेंशिएशन में है भाग में लिखाता है और इंटीग्रेशन में गुना दिखाता है। इतना को हम लोग पढ़ते हैं y का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, और इतना को हम लोग बोलते हैं y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट एक दूसरे का विलोम, उल्टा इनवर्स प्रोसेस, व्युत्कर्म प्रतिलोम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है,
कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। देखते चलेंगे इधर, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। आगे एक्स पर एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स का पावर एन माइनस वन होता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स होता है, ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पर पावर एक्स होता है। फॉर्मूला पर पकड़ बनाइएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आएगा। e पर x का डिफ्रेंसिएशन e पर x होता है, तो ये सब हम देख रहे हैं डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते, साइन x का डिफ्रेंसिएशन वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। तो ये सब डिफ्रेंसिएशन के बेसिक फॉर्मूला एक बार आपको दोहरा देते हैं, ध्यान से एकदम देखें। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, टेन के डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एन एक्स पर पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स का पावर एन माइनस वन, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बटी एक्स, ई पर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पर पावर एक्स, साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन वन बटी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बटी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। एकदम ध्यान से देखते चलिए, साइन के डिफ्रेंसिएशन कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन करते हैं, और कोस का इंटीग्रेशन जो है साइन हुआ उल्टा होता है व्युत्क्रम, जैसे इन्हें इंटीग्रेशन किए उन्हें डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन के दोनों चिन्ह हटा,
समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे d साइन x dx और बराबर का चिन्ह है आपका cos x, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपका cos x है। अब इधर हम इंटीग्रेशन किए हैं तो इधर भी हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उल्टा होता है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के चिन्ह हट गया, n बचा आपका साइन x और उधर आपको बचा cos x। तो साइन के डिफरेंशिएशन आपका cos होता है, इसलिए cos का जो इंटीग्रेशन हुआ वो आपका जो है साइन हो गया। जस्ट एक दूसरे को उल्टा, जस्ट एक दूसरे का प्रतिलोम होता है। चलिए आगे, cos के डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस उस साइड ले चल जाते हैं, और साइन का इंटीग्रेशन जो है आपका माइनस कोस। टेन के डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो ये आपका सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हुआ वो आपका टेन एक्स हो गया। सेक के डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो आपका रिजल्ट sec x आ गया है। cos sec के डिफरेंशिएशन माइनस cos sec x इंटू cot x, तो ये आपका cos sec x इंटू cot x के जो इंटीग्रेशन हो गया है वो आपका माइनस cos sec x, माइनस इस साइड लिया है। कॉट के डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो गया है वो आपका माइनस कॉट एक्स है। ध्यान से, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बटे एक्स, तो वन बटे एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका log x होता है। e पर x के डिफरेंशिएशन e पर x, तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन भी e का पावर x होता है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स के डिफरेंशिएशन माइनस वन बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपका हो गया है कॉस इनवर्स एक्स। यह माइनस के चिन्ह इधर नहीं भेजते हैं, उधर देखिए माइनस के चिन्ह को एलएचएस की ओर हम कर दिए थे। यहां पर सभी मैटर एक दूसरे से देख लीजिए भिन्न है, माइनस इधर करने से कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन इसमें आ रही आप इनवर्स में, तो ये देखिए दोनों सेम है, टेन वाला देखिए दोनों सेम है, सेक वाला देखिए सेम है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए साइन कॉस टेन के ये सब के इंटीग्रेशन चलना है तो माइनस को अंदर ही रखा जाता है। आगे टेन इनवर्स के डीसी वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका टेन इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स के डीसी माइनस वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको यहां पर माइनस वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका कॉट इनवर्स एक्स होगा। सेक इनवर्स के डीसी वन बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका जो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन वो आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स के डीसी माइनस वन बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये आपको माइनस वन बटे अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका कोसेक इनवर्स एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट एक दूसरे का विलोम होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है, व्युत्कर्म प्रक्रम होता है, उल्टा होता है। चलिए आगे एक्स पर एन के डीसी का फॉर्मूला जो होता है एन एक्स का पावर एन माइनस वन होता है, पावर गुना में भेज देना है और कुल्हे पावर से आपको एक पावर को घटा देना है। अब चलिए यहां पर आइए, एक्स पर पावर एन के इंटीग्रेशन जो होता है वो एक पावर जोड़ दिया जाता है और टोटल पावर से भाग दे दिया जाता है। टोटल पावर में एक पावर आपको जोड़ना है और जितना जोड़ के आएगा उतने से भाग देना है। देखने में व्युत्कर्म नहीं लग रहा है, चेक कर लेते हैं व्युत्कर्म होता है कि नहीं। तो चलिए एक्स पर पांच का डीसी करते हैं और डीसी का फॉर्मूला जो होता है पावर को गुना भेज दिए कुल पावर से एक पावर घटाए तो पांच में घटा चार आ रहा है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस मेथड से करेंगे। यदि आ गया आंसर एक्स पर पावर पांच तो यह फॉर्मूला आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, पांच कॉन्स्टेंट बाहर कर दिए और इसका फॉर्मूला चलाए जो यहां फॉर्मूला हम लिखें, एक पावर जोड़ दिए कुल्हे पावर से हम भाग दे दिए और पांच पांच आपका कट रहा है, रिजल्ट बचा एक्स का पावर पांच। इससे हम समझ गए हैं कि एकदम यहां पर फॉर्मूला आपका सही है, एक्स पर एन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक पावर जोड़ देना है, टोटल पावर से आपको भाग देना है। तो चलिए इतना आपका फॉर्मूला है, ये सब बेसिक फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इसकी डीसी करना है और इसका डिफरेंशिएशन 5x का पावर 4 और कॉन्स्टेंट का जो होता है डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो एक डिफरेंशिएशन ही लाए हैं तो इसका इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन को चेक कर लिया जाए और ये आपका 5x का पावर 5 को हम बाहर कर दिए और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक पावर जोड़ दिए हैं, एक पावर जोड़ दिए हैं और टोटल पावर से भाग दिए, अर्थात 5x पर 5 और 5 5 कटा देंगे x के पावर 5 आए। आप देख ले नहीं लौटा है, आना चाहिए एक्स पर पावर 5 प्लस 5, आया है केवल एक्स पर पावर 5। तो यहां एक थ्योरी है कि जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है वैसे हम लोग सी जोड़ देते हैं, यह देखिए सी जोड़ दिए और ये जो आप सी देख रहे हैं इस सी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। तो जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है इंटीग्रेशनल कांस्टेंट हम लोग सी जोड़ते हैं और नीचे सी बराबर इंटीग्रेशनल कांस्टेंट नहीं लिखते हैं क्योंकि सभी जानता है सी को हम लोग इंटीग्रेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यदि क्वेश्चन में पहले से सी मौजूद हो तो वैसे हालत में इंटीग्रेशनल कांस्टेंट के जोड़ते हैं और नीचे लिख देना पड़ता है के बराबर इंटीग्रेशनल कांस्टेंट,
लेकिन सी जोड़िएगा तो इन्हें लिखना है, सी बराबर इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट सब जानता है। अब मिलाइए, अब आपका देखिए मिल रहा होगा एक्स पर पावर पांच मिल गया है, सी जोड़े तो देखिए सी पांच मतलब कॉन्स्टेंट, सी मतलब कॉन्स्टेंट देखिए मिल गया। तो यहां पर एक ही बात समझ में आया कि जैसे इंटीग्रेशन खत्म होगा वैसे आपको इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट सी जोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। अब हम कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन करें, इसको लिख देते हैं के इंटू वन, और के कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर कर दिए और वन के स्थान में लिख दिए हैं एक्स पर पावर जीरो जिसकी वैल्यू वन होता है। एक पावर इसमें जोड़ दिए हैं, टोटल पावर से भाग दिए हैं और प्लस आपका सी हो गया। इस प्रकार से ऊपर में के एक्स बच गया, इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट सी जोड़े। तो यहां पर हम पाए हैं कि के का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका के एक्स होता है, अर्थात यहां पर समझ गए कि पांच का जो इंटीग्रेशन होगा वो पांच एक्स होगा और दस का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका दस एक्स होगा। और केवल यदि इंटीग्रेशन रहे तो समझिए वन छिपल है और वन का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस कितना सी है। तो ये इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला है, इसके बाद जितने भी फॉर्मूला हैं सब प्रूफ करने वाले हैं। और यहां तक बस एक ही थ्योरी काम किया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, प्रतिलोम होता है, उसी बेसिक पर इतना फॉर्मूला आपको लिखा गया है। इतना फॉर्मूला याद करेंगे ये तो तय है कि चार पांच ऑब्जेक्टिव आपको जरूर है। अब आपको हम जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ए टू जेड क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पर बताते चल जाएंगे, आप उसको घर में प्रैक्टिस करते चले। तो ध्यान से एकदम, पहला क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस इसका आप इंटीग्रेशन करें। ए कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन, बी कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सी बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन और यहां पर डी का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन एक्स फोर बटे फोर, एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटे थ्री, एक्स के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे टू और डी के इंटीग्रेशन डी इंटू एक्स और इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट के जोड़े, क्योंकि क्वेश्चन में सी आया हुआ है और नीचे हम लिख देंगे के बराबर इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट। तो सब दोहरा लेते हैं, ए बाहर एक्स क्यू के इंटीग्रेशन, बी बाहर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सी बाहर एक्स का इंटीग्रेशन, डी का इंटीग्रेशन। एक्स क्यू के इंटीग्रेशन एक्स फोर बटे फोर, एक्स क्यू बटे थ्री, एक्स स्क्वायर बटे टू, डी का इंटीग्रेशन डी इंटू एक्स प्लस इंटीग्रेशनल कॉन्स्टेंट के जोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते, यह नंबर अगला आपका दो है।
एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस वन, इसका आपको इंटीग्रेशन कर लेना है। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे वन बटे एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। लॉग का बेस कभी निगेटिव नहीं रहना चाहिए। यदि लॉग का बेस निगेटिव होगा लॉग अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा। इसलिए कभी भी लॉग आवे तो उसके बेस को आप मॉड से बंद कर दें। और वन का इंटीग्रेशन एक्स और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका सी हुआ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान से एकदम देखते चलिए। चलिए नंबर अगला आपका तीन नंबर कहता है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर और बटे में टोटल का बटा एक्स स्क्वायर है। चलिए अलग अलग बटा कर देते हैं। रिजल्ट यहां पर बचा एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस फोर बटे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गया है। इस प्रकार से रिजल्ट को बढ़ाते हैं। ये दो गो एक्स कटेगा तो ऊपर में एक्स बचेगा, ये पांच हो गया है और ऊपर भेज के माइनस दो पावर कर दी। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे दो, पांच का इंटीग्रेशन पांच एक्स, एक पावर जोड़ दिए कुल है पावर से भाग दिए। रिजल्ट एक्स स्क्वायर बटे दो फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस और निगेटिव पावर बटा भेज के बना दिए पॉजिटिव। अलग अलग बटा कर दिए, दो गो कटेगा एक गो बचेगा, यहां एक्स दोनों कटा पांच बचा, ऊपर भेज के निगेटिव पावर। एक्स का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बटे दो, पांच का इंटीग्रेट पांच एक्स, एक्स पर पावर एक जोड़ दिए तो माइनस एक है, कुल पावर से भाग माइनस माइनस प्लस और निगेटिव पावर बटा भेज के हम पॉजिटिव बना दिए हैं। चलिए अगला नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, एक्स पर पावर दो बटे तीन प्लस वन है, इसका इंटीग्रेट करना है। एक पावर जोड़ दें पांच बटे तीन, कुल पावर से भाग दिए, वन का इंटीग्रेट एक्स होता है, पलट दें तीन बटे पांच, एक्स के पावर पांच बटे तीन प्लस एक्स प्लस एक पावर जोड़ी कुल पावर से भाग, तीन ऊपर चल गया तीन बटे पांच,